माई ट्रू सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रियलमी 2 के आपको चार ऐसी हिडन फीचर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने डेली इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं कि वो कौन से ऐसे चार फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले अगर हम हिडन फीचर्स की बात करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में आना होगा, और जैसे ही दोस्तों आप सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और आपको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम ऐप्स का। तो दोस्तों आपको सिस्टम ऐप्स पर क्लिक करना है, और जैसे ही दोस्तों आप सिस्टम ऐप्स पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ कैमरे का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपको फिर कैमरे पे क्लिक करना है, और कैमरे पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वाटर मार्क का। तो आपको यहाँ से ये आपका डिसेबल होगा, आपको इसको यहाँ से इनेबल करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहां से इसको इनेबल करते हैं तो इसे इनेबल करने के बाद होगा ये कि जब भी आप अपने कैमरे से कोई भी फोटो क्लिक करोगे तो उस फोटो के ऊपर रियलमी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको एक फोटो क्लिक करके दिखा देता हूं कि ये हमें किस तरह से देखने को मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक की है, और क्लिक करने के बाद यहाँ आप गौर से देखें तो यहाँ आपको जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं उनके अंदर यहाँ जो भी हम फ़ोटो क्लिक करते हैं उनके कैमरे से, तो वहाँ मेंशन यानी कि फ़ोटो पर मेंशन हो जाता है कि ये फ़ोटो किससे कैप्चर किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, शूट ऑन रियलमी 2 यानी कि हमारा जो फ़ोन रियलमी 2 है उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर फ़ोटो पर वो हमें शो हो रही है। तो इस तरह से इस ट्रिक के ज़रिए आप अपने किसी भी फ़ोटो पे अपने फ़ोन की ब्रांडिंग को शो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेकंड ट्रिक की यानी कि सेकंड हिडन फीचर्स की। तो दोस्तों जैसा कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप रियलमी 2 के अंदर कभी कभी क्या मोस्टली ऐसा ही होता है जब आप रियलमी 2 के अंदर कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन काफ़ी देर से ओपन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मेरे पास पेटीएम की एप्लीकेशन है। दोस्तों जब मैं पेटीएम की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो यहाँ आप गौर से देखें कि यहाँ ये सिक्योर एनवायरमेंट इस तरीके से एक हमें एक कुछ लिखा हुआ देखने को मिला है, और यहाँ आप गौर से देखें तो यहाँ आपको एक एस का यानी कि एस का एक सिंबल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी पेमेंट की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो सारी की सारी देर से ओपन होती हैं रियलमी के फ़ोन में। दोस्तों हमें इसे ऑफ करने के लिए करना क्या होगा कि हमें सबसे पहले सेटिंग्स में आना है, और जैसे ही दोस्तों हम सेटिंग्स में आते हैं तो सेटिंग्स में आने के बाद हमें करना क्या है कि सिक्योरिटी में आना है। और दोस्तों सिक्योरिटी में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट प्रोटेक्शन का। दोस्तों आपको पेमेंट प्रोटेक्शन को क्लिक करना है, और जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट प्रोटेक्शन के ऑप्शन में एंटर करते हैं तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा कि यहाँ से, और यहाँ इसी ऑप्शन के अंदर आपको वो सारी एप्लीकेशन शो होंगी जो कि आपकी पेमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि फ़ोन पे है या बैंक से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन होगी। और जैसा कि यहाँ फ़िलहाल मेरे फ़ोन के अंदर केवल एक ही एप्लीकेशन है इस टाइप की, जैसे कि पेटीएम आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ आपको करना क्या है इसे यहाँ से डिसेबल करना है। जैसे दोस्तों आप इसे डिसेबल करते हैं यहाँ से तो यहाँ जो जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन लेट हो रही थी जिस फीचर्स की वजह से, अब ये एप्लीकेशन जो है हमारी डायरेक्ट जल्दी ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें ये डायरेक्टली ओपन हो गई, और यहाँ किसी तरह का अभी इसको एप्लीकेशन को इस फ़ोन के ज़रिए स्कैन नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन के अंदर किसी भी पेमेंट की एप्लीकेशन को बहुत तेज़ी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ इसके तीसरे फीचर्स की। तो दोस्तों तीसरा जो हिडन फीचर्स है वो इसका ये है कि जैसा कि आपको पता है कि रियलमी 2 के अंदर या रियलमी के जितने भी फ़ोन हैं उनके अंदर हमें यहाँ मोस्टली रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, जब मैंने पावर बटन को ऑन ऑफ यानी पावर बटन है जब मैंने इसको प्रेस करके रखा तो यहाँ हमें केवल तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो जो आपको ये ऑन ऑफ़ का यानी पावर का ऑन ऑफ़ का स्विच मिल जाता है, और बाकी यहाँ आपको दो ऑप्शन एक्स्ट्रा अलग से मिल जाते हैं जिसमें आपको एक इमरजेंसी का और बाकी कैंसिल का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ हमें रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर दोस्तों हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो आपके फ़ोन का जो पावर बटन है ये, और बाकी का जो वॉल्यूम का अप बटन है ये, इन दोनों को आपको एक साथ प्रेस करके रखना होगा। तो चलिए मैं इनको एक साथ प्रेस करके रखता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इनको प्रेस करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें मेरा फ़ोन जो है ये रिस्टार्ट मोड में पहुँच चुका है, और यहाँ आपको रियलमी देखने को मिलेगा, और ये थोड़ी देर में अब हमारा फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और हमारी जो लास्ट ट्रिक है यानी कि लास्ट हिडन फीचर है वो कैमरे से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, कैमरे की एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें मैंने कैमरे की एप्लीकेशन को ऑन कर दिया है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या ट्रिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ
जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, मैंने रियलमी का इसका जो रियलमी 2 प्रो मेरे पास फ़ोन है, अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो, वैसे मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, अगर आप चाहते हैं रियलमी 2 प्रो के बारे में कुछ जानना तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, और मैंने हालांकि अभी उस पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है। चलिए खैर आप आते हैं मुद्दे पर। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, मैंने कैमरे की एप्लीकेशन को खोल दिया है। अब यहाँ जो इस ट्रिक में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ऑटो फोकस का। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, जब मैंने कैमरे की तरफ अपना हाथ, कैमरे के पास जब मैंने अपना हाथ लिया तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है ये फ़ोन उसी को फोकस कर लेता है। और पीछे का जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें तो हमारा जो फ़ोन, हमारा जो ये फ़ोन है इसने मेरे हाथ को क्लियरली कैप्चर कर लिया है, और बाकी का जो पीछे का बॉक्स का कंटेंट है वो ब्लर हो चुका है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से मैं हाथ हटा दूँ तो ये हमारा बॉक्स है, ये इसने फिर से फोकस कर लिया बॉक्स के ऊपर। चलिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि जैसे ही मैं हाथ लेकर आता हूँ वहाँ हमारा बॉक्स पीछे का ब्लर हो जाता है, और यहाँ ये हमारे हाथ को फोकस कर लेता है हमारे हाथ पर। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये फोकस हमारा केवल बॉक्स के ऊपर ही रहे और हमारा जब हम हाथ आगे की ओर ले आएँ, यानी कि हम नज़दीक कोई अदर ऑब्जेक्ट ले आएँ उस पर फोकस ना बने, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप यहाँ, यानी कि आप अपने फोकस को जहाँ की भी लॉक करना चाहते हैं आपको उसे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ, यानी कि रियलमी के ब्रांड जो है ये लिखा हुआ बॉक्स के ऊपर, मैं यहाँ फोकस को लॉक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ इसको लॉन्ग प्रेस करके थोड़ी देर के लिए रखा। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ आपको यहाँ एक लॉक का आइकन देखने को मिलेगा। अब जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, हमारा जो फोकस है इस फ़ोन का वो लॉक हो चुका है। अब मैं अगर हाथ यहाँ इधर की ओर लेके आता हूँ तो हमारा जो रियलमी जो लिखा हुआ है ब्रांड, यानी कि रियलमी का नाम, वो अभी ब्लर नहीं हो रहा है और हमारे हाथ पर ये फोकस नहीं हो रहा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इस रियलमी 2, यानी कि रियलमी की जितनी भी डिवाइस हैं उनके कैमरे के फोकस को लॉक कर सकते हैं और इस फीचर्स का भी इंजॉय ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।